आपका मेंस कब कंडक्ट कराया गया, मतलब कितना गैप था आपके मेंस में और स्क्रीनिंग में? 10 सितंबर का तो ये था, स्क्रीनिंग था, फिर अच्छा, आपको मेंस। विद स्पेसिफिक डेट्स याद है? बिल्कुल अब क्लियर किया और जॉब लगी है तो जरूरी है याद भी रखनी, और याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही माइंड में याद है वो। तो 10 सितंबर को ये था और 31 दिसंबर 2023 को ये था, मेंस था। मेंस था। हाँ तो मेंस के बारे में, जैसे कि मेंस में मुझे पता है कि आपके 18 क्वेश्चन आते हैं ना, 150 नंबर का आपका ये पेपर अब रहता है। मेंस के बारे में मैं बता दूं कि इसमें तो 3 घंटे का टाइम होता है, यानी 180 मिनट का इसमें टाइम होता है, और जो टोटल क्वेश्चन एग्जाम में जो आते हैं वे 18 क्वेश्चन होते हैं, और ये इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आपको 15 क्वेश्चन करने हैं। तो हर क्वेश्चन 10 नंबर का होता है और 150 नंबर का पेपर हो गया ये, तो जो भी लिस्ट जो बनेगी वो 150 में से ही बनेगी। इसके लिए आपने जो वाला स्ट्रेटेजी थी आपकी, कि मेंस को पर्टिकुलर, मतलब आपने फोकस जो किया है, ये आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, इसमें आपने कितने वर्ड्स में एक क्वेश्चन को फ्रेम किया? एक तो पेपर में कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि आपको 2 पेज में करने हैं या 3 पेज में करने हैं, या आपको 100 वर्ड्स लिखने हैं, 200 वर्ड्स लिखने हैं, 300 वर्ड्स लिखने तो ये हैं। बच्चों का ना सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें लिखना, क्योंकि ये एक मिथ है कि आप जितना ज्यादा लिखेंगे आपको उतने मार्क्स मिलेंगे। तो एक बार हमारे व्यूवर्स को बताइए कि आपने कितना लिखा और आपको मतलब क्या लगा कि इतना लिखना चाहिए कि हाँ, इससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। व्यूवर्स को हमारे प्लीज बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप कोशिश करो, कोशिश क्या कि आप करो कि 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। अगर आप देखिए, अगर आप 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं, मान लो आपने 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो 20 नंबर तो आपके वैसे ही चले गए। चाहे आप एक एक पेज के करो और उसमें जो मेन मेन पॉइंट है वे लिखो, लेकिन कोशिश करो कि 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करो उसमें। अच्छा, और एक मेंस के लिए मैं कुछ बुक और बता देता हूँ मैं आप व्यूवर्स को, कि मैंने जैसे जो तैयारी की थी, जैसे मैंने बताया कि स्क्रीनिंग के किरण पब्लिकेशन से की थी और यूथ कंपटीशन था, तो उसमें से भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है जब आप मेंस में लिखने बैठते हैं। तो इसके साथ साथ में मैंने विपिन चंद्रा की जो बुक्स हैं वे और पढ़ी थी, और उसमें मतलब बिल्कुल डिटेल से दे रखा है। अगर आप विपिन चंद्रा की बुक्स से अगर हेल्प लेना चाहो तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा उससे, और ये मेंस में आपके बहुत काम आएंगे। ओके, तो विकास, ये आपका जो मेंस है ये कितना वेटेज, मतलब मेंस का कैरी करता है, कितने परसेंटेज? ये जैसे मैंने आपको बताया कि 150 नंबर का है, तो फिर 150 का इसमें 87.5 में इसको कन्वर्ट कर देते हैं फिर, और जो 12.5 का इसका एंट्री हो जाता है। टोटल जो वेटेज होते हैं वो 100 नंबर के होते हैं, मतलब ओके आपका जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो 100 में से बनकर ही आएगा।